वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को प्यार भरा सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। आज की रेसिपी में मैं क्या बना रही हूँ, गोश्त आलू। थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में मसाला मैंने बनाया है, लेकिन सबसे पहले मैंने जो पैन में तेल डाला है 5 to 6 टेबल स्पून, ये गर्म हो चुका है। इसमें मैं ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, एक बड़ी इलायची, तेज़पात और मैं दालचीनी डालूँगी। ठीक है, अच्छा। इसके साथ साथ मुझे क्या डालना है, मैंने एक मसाला बना के रखा है, वो मैं बना के आपको दिखाती हूँ। जो मैंने बनाया है टमाटर, ये देखिए टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया और प्याज मैंने पीसी है, ये मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और ये मसाला बड़ा मज़ेदार ग्रेवी बनता है। ठीक है, ये देखिए मैंने बना लिया, ये चढ़ा दिया और अब मैं इसको भूनूंगी। चूल्हा मैंने आस्ता किया हुआ था, मैं चूल्हा तेज़ करती हूँ। तो जब आप ये मसाला इस तरह से गोश्त आलू में बनाएंगे ना, तो गोश्त आलू का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है, जैसा कोरमा हमने बनाया है। ये आलू, टमाटर और हरी मिर्चें, हरा धनिया और प्याज बनाया था। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें जो मुझे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं आपके सामने शेयर करती हूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, ये 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। ठीक है, और ये मेरा करी मसाला है। ये सारे मसाले मैं डाल के भी बनाऊँगी इसको, जब तक रोगन ऊपर ना आ जाए मैं इसको भूनूँगी मसाले को। ठीक है, और वैसे ही मामूल के मुताबिक जो सारे इन्ग्रीडियंट्स होते हैं वो डालूँगी, हल्दी, ठीक है, और धनिया पिसी हुई। अच्छा, धनिया का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है गोश्त आलू के साथ में, तो ये मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। ठीक है, और ये लाल मिर्चें पिसी हुई है मेरे पास, ये मैं डाल रही हूँ क्योंकि ज़रा चटपटा भी हो, मज़ेदार भी हो। अब क्या रह गया, गरम मसाला, ये देखें, क्योंकि मैंने क्या किया, ये देखें गोश्त उबाल के मैंने रख लिया है, गोश्त उबाल के मैंने रख लिया है, तो मेरे खाना बनने में मुझे देर नहीं लगेगी। जब तक ये मसाला बनेगा फिर मैं इसमें आलू कट के डालूंगी। अच्छा, अब मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ बस। ठीक है, अब ये भून गया, इसमें नमक रह गया, वो नमक डालती हूँ। आज खाना बनाने में देर हो गई क्योंकि कुछ चीज़ें लानी थी शॉप से, तो मैं शॉप चली गई थी लाने के लिए। अब मैं सामान सारा लेकर आई, फिर मैंने कहा अब आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे पास टमाटर कम थे, तो मैंने कहा मैं चलो टमाटर लेकर आऊँ, हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये सब चीज़ें लेकर। अब ये बन रहा है, इसके ऊपर मैं कवर करूँगी और ये जब तक मसाला भुनता है मैं आपको फिर दिखाती हूँ मैं आलू डालते हुए, जब मेरा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। अब ये देखिए 10 मिनट से हो गए ये मसाला बनाते हुए, इसको मैं आपके सामने ओपन कर रही हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें मुझे कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है ताकि सालन का कलर बहुत खूबसूरत आए, बस ज़रा सा डालना। अब मैं इसके अंदर आलू और मैंने काट के रखे थे 3 छोटे छोटे आलू हैं वो मैं डाल दे रही हूँ, और मैं इसमें जो मैंने गोश्त गला के रखा था बिल्कुल हाफ डन हो चुका है, बस ये मसाले के साथ बनेगा तो बहुत ही मज़े का बन जाएगा। ये मैंने आलू डाल दिए और मैं अब इसके अंदर ये गोश्त जो मैंने उबाल के रखा था ये भी मैं डाल दूँगी। ये देखिए सालन का कलर इतना खूबसूरत आया है। अगर आप इस तरह से पीस के टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज पीस के आप मसाला बनाएंगे तो गोश्त में मसाला भी बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी लज्जत होती है, चाहे आप रोटी के साथ खाएँ चाहे आप चावल के साथ खाएँ। ये देखें गोश्त का कलर कितना अच्छा सालन का कलर आ रहा है और बेहतरीन। अच्छा, अब ये जो मैंने गोश्त बना के रखा था, आपको मैंने बताया था कि ये मैंने गोश्त गला के रखा था, समझिए ये इसके साथ 30 मिनट्स और बनेगा गोश्त हमारा रेडी है, तो मैं सब ये सब इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मुझे शोरबा बनाना है इसमें, ठीक है, गाढ़ा नहीं रखना है मुझे, क्योंकि बच्चे इसको राइस के साथ खाएंगे और चाहे कोई इसको रोटी के साथ खा ले। ये देखिए बहुत ही मज़े का बनेगा ये सारा मसाला मैंने जो मैंने गला के रखा था, गोश्त और पानी ये सब डाल दिया। अब मुझे इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, शोरबे की ज़रूरत नहीं है, अभी इसमें 15 मिनट तक बनेगा
और ये सालन मेरा रेडी हो जाएगा। कितना खुश रंग और कितना मज़ेदार। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपने ये इस तरीके से गोश्त आलू बनाया तो आपको कैसा लगा, ये देखिए। और मेरे वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिए कि इसकी शक्ल, इस डिश की शक्ल किस तरह से आई निकल के। अभी तो ये बहुत ही खुश रंग है। गोश्त तो मेरा हाफ डन हो चुका है, आलू गल जाए 15 मिनट में तो सालन तैयार है। अब मैं इसको क्लोज करूँगी और आपको हल्के हल्के बनाऊंगी। ये देखिए अभी 15 मिनट तक बन रहा है। जब ये तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको 10 मिनट्स के बाद दिखाऊंगी। अगर ये इसकी शक्ल कुछ अच्छी हो जाएगी तो फिर मैं इसको और फर्दर बनाऊंगी। इसमें आसानी ये हुई कि मैंने गोश्त गला के रख लिया था 15 से 20 मिनट में। उससे क्या होता है, सालन आपका रेडी हो जाता है बहुत जल्दी। तब मैं ये बना रही हूँ दोपहर के खाने में, गोश्त आलू का सालन है और राइस उधर बन रहा है। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं देखती हूँ 10 मिनट हुए हैं कि इसकी क्या शक्ल आई है। ये देखें, ज़रा सा भी चूल्हा तेज़ कर देंगे मसाला सारा बाहर आने लगता है। और सारा इसमें अभी गोश्त नहीं गला है, गोश्त गल चुका है, आलू नहीं गला। अभी 10 मिनट हो चुके हैं, हालांकि मैंने बहुत बड़े पीस नहीं काटे इसमें, लेकिन अब मैं चूल्हा आस्ता करके 10 मिनट्स मोर डालूंगी, पकाऊंगी इसको। और ये देखिए थोड़े से हो गए, बस 10 मिनट में ही कम्प्लीट हो जाएंगे। कलर देखिए, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, गोश्त गले हुआ है, बस आलू को थोड़ा सा और गलना है। मैंने चूल्हा स्लो कर दिया, ठीक है। अभी 10 मिनट और बनेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
अब ये देखिए सालन बिल्कुल तैयार है, रोगन ऊपर आ चुका है, गोश्त गल चुका है, बेहतरीन है। ज़रूर बनाइएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसी तरह से मैं आपको रेसिपी शेयर करती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।